हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है DIY काजल के ऊपर। हम मार्केट से जो काजल लेते हैं उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ लेड होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जिससे हमारी आईज़ वीक होती है और आईज़ इरिटेशन भी होती है। तो आज जो हम काजल बनाने वाले हैं वो है लेड फ्री, और इसे कहते हैं ऑर्गेनिक काजल। होममेड काजल की शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और सबसे अच्छी बात कि ये 100% नेचुरल होता है और सेफ़ होता है और कोई केमिकल नहीं होता। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमने इस काजल को बनाया है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा दिया ले लें, उसके अंदर इस तरीके से चार बाती लगा लीजिए। आप देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने ये सरसों का तेल लिया है, और अगर आप चार बाती लगाएंगे तो आपका काजल जल्दी बन जाएगा। आप दो दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक स्टील की प्लेट ली है और दो छोटे कांच के ग्लास लिए हैं। आप कोई जार या फिर आप कोई बर्तन ले सकते हैं। अब हम दिए को जला लेंगे। दोस्तों, आप कोई ऐसा बर्तन ले प्लेट को टिकाने के लिए जो कि लौ से बहुत पास हो, ताकि काजल जल्दी बने और अच्छा बने। और रही बात बर्तन की, तो बर्तन बहुत इजीली धुल जाते हैं, आप इस बात का ना सोचें कि बर्तन काले हो जाएंगे। इस तरीके से लौ और प्लेट के बीच में बहुत कम गैप होना चाहिए, और आप इसे साइड रख दें 2 घंटे के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 घंटे के बाद ये जो हमारा कोल है ये इसके अंदर जमा हो गया है। इसको आप इस तरीके से चम्मच से निकाल लें, एक जगह इकट्ठा कर लें। अगर आप अपने काजल को स्मच प्रूफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, फैले ना, तो उसके लिए हम एक बादाम लेंगे और इसको अच्छे से जला लेंगे। बादाम हमारे काजल को और भी डार्क कर देगा और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। और हमारी आंखों के लिए बादाम बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। अच्छे से बादाम को जलाने के बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और इसके पाउडर को और या फिर इसकी राख को हम अपने काजल के अंदर मिक्स कर लेंगे। यह है हमारा फाइनल स्टेप। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको हम अपने कोल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, आप याद रखें, इसके अंदर बिल्कुल भी दर्दरा ना बने, इसके अंदर लम्स ना रहे। देखिए, ये अभी भी दर्दरा ही है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें कुछ देर तक। अब हमारा काजल बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, उसके बाद आप ये कंटेनर ले लें या कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। इसमें मेरा पुराना काजल था जो कि ख़त्म हो गया, तो आप ऐसे कोई भी कंटेनर ले सकते हैं छोटा सा, और उसके अंदर आपने जितना भी मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से इसके अंदर पोर कर लें। हमारा काजल बिल्कुल तैयार है। इसे कंटेनर में अच्छे से फिल करने के बाद आप इसे थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर लें। उसके बाद आपके काजल का टेक्सचर कुछ इस तरीके का होगा, बिल्कुल मैट लुक में ये आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आप कैसे इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा डार्क है और नेचुरल है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आपने देखा, हमारा लेड फ्री और 100% नेचुरल काजल बनकर बिल्कुल तैयार है, जो हमारी आईज के लिए इफेक्टिव और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देगा। घर पे ही आप अपना काजल बनाएं इसी तरह। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।